like a bell cut. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर भाई नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब और भाई का नाम जान लो। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित टेक 2। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज बोलता हूं सब्सक्राइब कर दो। और अगर गाइस आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो भाई पहले फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। तो आइए हम आप बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो भाई वीडियो जो आज हम दो टॉपिक के बारे में बताएंगे जो यूट्यूबर्स करते हैं और उनके साथ मतलब होता नहीं है, जो मतलब करना चाहते हैं। तो भाई जो पहला टॉपिक है ना वो है कि हम अपना यूट्यूब चैनल का लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में पहला जो बताऊंगा वो है कि आप कैसे मतलब चेंज कर सकते हैं अपने वीडियो के लोग मतलब अपने यूट्यूब चैनल के लोगो को। और जो दूसरा टॉपिक है कि अगर आपका चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आता है तो मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपका चैनल सर्च लिस्ट में आ जाएगा। तो भाई बिना किसी देरी के करते वीडियो स्टार्ट। तो भाई आते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो मैं सबसे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल का जो इंट्रो है मतलब जो अपने चैनल का लोगो है उसे कैसे चेंज करते हैं। तो आपको गाइस क्या करना है, आपको चले जाना है क्रोमा ब्राउज़र में। तो मैं क्रोमा ब्राउज़र में चला जाता हूँ। तो क्रोमा ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यूट्यूब पे क्लिक करके आपको यूट्यूब चैनल अपना ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से, और इसे डेस्कटॉप साइट में ऑन कर लीजिएगा। तो डेस्कटॉप साइट में ऑन करने के बाद आपको गाइस यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के लोगो पे क्लिक करना है। YouTube चैनल के लोगों पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा यूअर चैनल। तो यूअर चैनल पे क्लिक कीजिए और यूअर चैनल पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कस्टमाइज चैनल। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे कस्टमाइज चैनल पे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको गाइस जहाँ पर अपना लोगो दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर पेंसिल का आइकन बना आएगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आएगा एडिट का ऑप्शन। तो आप एडिट पे क्लिक करके अपना जो लोगो है ना वो डाल सकते हो यूट्यूब चैनल पे। तो ये पहला पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है कि हमारा चैनल यूट्यूब जब हम सर्च करते हैं तो अपना चैनल आता नहीं सर्च करने पे। तो गाइस मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। तो गाइस आपको बता देता हूँ कि अपना चैनल कैसे सर्च लिस्ट में लाते। तो मैं गाइस सिंपली पहले बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो गाइस देखिए मैं आ चुका हूँ बैक। बैक आने के बाद आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो जो दूसरा पॉइंट है कि हमारा चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। तो गाइस आपको अपने यूट्यूब चैनल के लोगो पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है। यूट्यूब जैसे स्टूडियो पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पर जो लास्ट में दिख रहा है सेटिंग का आइकन बना हुआ आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको चैनल पे क्लिक करना है दूसरे नंबर पे। तो चैनल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कीवर्ड जहाँ पर लिखा हुआ है ना वहाँ पर आपको अपने यूट्यूब चैनल के जैसे आप सर्च करना चाहते हो अपने यूट्यूब चैनल का नाम तो यहाँ पर आपको इसी तरह के कीवर्ड सेट कर देने हैं। आपको बहुत सारे यहाँ पर कीवर्ड लिख देने हैं। और कीवर्ड लिखने से क्या होगा कि अगर आपका चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आता है तो कीवर्ड लिखने के कारण आपका चैनल जो है वो सर्च लिस्ट में आना चालू हो जाएगा। तो सिंपली गाइस आपको ये कीवर्ड डाल के सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस मुझे बता दीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो भाई चैनल इस वीडियो कर दीजिए लाइक। और मुझे अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, और वहाँ पर मुझे आप कमेंट कर सकते हो कि क्या टॉपिक के बारे में वीडियोज़ बनाओ। तो थैंक्स गाइस इस वीडियो को देखने